देखो ये है वेस्ट बंगाल हट, ये है ट्रेडिशनल मैन हाउस, ये है गुजरात की बन्नी हट, ये विवाह स्तंभ है जो अंडमान और निकोबार में जो कुटीर बनाई जाती थी वो ये कुटीर है, ये निकोबार कुटीर है। ये देखना पहले ज़माने की कढ़ाई कितनी बड़ी हुआ करती थी। ये हिमाचल प्रदेश की हट बनाई गई है, ये देखो सांझी माता बना रखी है। ऑडियो विजुअल रूम है, इतने सुंदर कृष्णा जी। ये देखो कांसे की बनी हुई कढ़ाई है, भोजन के लिए यूज की जाती थी। ये देखो ये सामने ना घर बना रखा है। तो अब आ गए हम फोक एंड ट्राइबल गैलरी में, चलो। ये देखो किनाल की गुड़िया बनाई हुई है, ये देखो पहले के टाइम के मास्क, ये देखो कठपुतलिया कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो टेक्सटाइल गैलरी में एंट्री करते ही ये सब हाथ से वर्क किया हुआ है, ये देखो कितनी सुंदर आर्ट बना रखी है। अलग अलग स्टेट की सब ड्रेसेस वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला अकेडमी में। बात करें जाए यहाँ की लोकेशन की, ये पड़ता है भैरव मार्ग प्रगति मैदान में, और यहाँ के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा आपको प्रगति मैदान का। ये जो है ना साइंस म्यूजियम के बिल्कुल नियरेस्ट है। मैंने है ना साइंस म्यूजियम के ऊपर पहले व्लॉग बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जरूर देखना। जो यहाँ की टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से है ना शाम की 6 बजे तक खुलता है, आप कभी भी आ सकते हो। चलो यार चलते हैं क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, दिखाते हैं आपके क्या क्या है क्या नहीं है, यहाँ की टिकट प्राइस वगैरह सबकी डिटेल दूंगा आपको। चलो फिर चलते हैं, यहाँ का एंट्री गेट है, चलो फिर चलते हैं अंदर। देखो ये पूरा एक ग्राउंड सही है, और इसमें ना काफ़ी सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है बहुत टाइम पुरानी, लेकिन इसके अंदर विजिटर अलाउ नहीं है। ये यहाँ की टिकट प्राइस है, तो हमने टिकट ले लिया है। टिकट प्राइस जो है 20 रुपीज़ है फॉर इंडियंस के लिए एंड 200 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स के लिए है। चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर एंट्री कर गए हैं, देखो एंट्री करते हैं ना, ये जितने एक तो दीवार है ना बहुत सुंदर सुंदर, तो इन्होंने ना ड्राइंग कर रखी है, अच्छी लग रही है काफ़ी। ये देखो वुड के एलिफेंट, एलिफेंट है ना ये कटहल की लकड़ी से बनाए हुए हैं। ये देखो पहले करवाता हूँ आपको यहाँ का विलेज का टूर। ये देखो पुराने टाइम में जैसे घर को लीप पकड़ते थे ना, इस तरीके से लीप रखी है इन्होंने दीवारें। विलेज टूर में हमें पहले दिख रहा है ये पहले की काट, ये देखो देव नारायण राजस्थान, इसमें चलते अंदर देखते क्या है। देखा कितने पुराने पुराने पेड़ है, ग्रीनरी देख रहे हो यहाँ कितनी बेहतरीन है। ये देखो ग्रीनरी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ, ठंडक है काफ़ी इतनी गर्मी के अंदर भी। ये देखो पहले टाइम की हट बना रखी है, ये है मध्य प्रदेश की गोंड कुटीर, ये बनी हुई यहाँ पहले वो रख लेते थे लालटेन वगैरह। ये देखो गेट, इन दीवारों पर देखो कितने सुंदर चित्र बना रखे हैं पहले टाइम के। ये देखो देखो यहाँ अधिकतर है ना इस तरीके की झोपड़ी बना रखी है, पहले टाइम में जैसे झोपड़ियाँ हुआ करती थी वो सब दिखा रखी है, क्योंकि विलेज टूर है तो ये कंप्लीट विलेज का ही थीम बना रखी है। दिखाता हूँ आगे, ये है वेस्ट बंगाल हट, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये वेस्ट बंगाल हट के अंदर जो अंदर भगवान का चित्र बना रखा है ना बहुत सुंदर बना रखा है यार, पूरा मजा आ रहा है देखना कितनी फिनिशिंग से बना रखा है। अब आया कोन्याक मोरूम और ट्रेडिशनल मैन हाउस में, दिखाते हैं आपको, ये देखो कितना सुंदर बना रखा है। आपके एंट्री में आप हाले रख रखे हैं और ये घड़े वगैरह, बहुत सुंदर हट बना रखी है। ये है ट्रेडिशनल मैन हाउस, ये देखो पहले टाइम की है ना बैलगाड़ी बना रखी है वुड की। यहाँ है ना आपको विलेज टूर के अंदर है ना अलग अलग स्टेट के कैसे घर हुआ करते थे पहले टाइम में वो दिखा रखे हैं। ये देखते हैं अब गुजरात का देखते हैं बन्नी हट, ये है गुजरात की बन्नी हट, देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये अच्छे से बना रखी है काफ़ी, ये भी बना रखा है पता नहीं क्या चीज़ है।
अब दिखाता हूँ मेमोरेबल स्टोन गुजरात के, ये देखो। आपको दिखाता हूँ राजस्थान का कोर्टयार्ड, इसमें ये देखो राजस्थान कोर्टयार्ड के अंदर, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी है ना लोहे की परातें हैं ये देखो ये जो स्तंभ आप देख रहे हो ना, ये विवाह स्तंभ है भरवाड़ा समुदाय का गुजरात में, है ना। इस स्तंभ के चक्कर काट के है ना विवाह हुआ करते थे। ये देखो मैरिज पिलर है ये। तो आपको अरुणाचल प्रदेश की आदि कुटीर, ये अरुणाचल प्रदेश की कुटीर बनी हुई है, देखना ऊपर से बढ़िया तरीके से कवर करते थे। ये वाली जो कुटीर है ये है ना तमिलनाडु की टोडा कुटीर है, अच्छी तरीके लकड़ियों से बना रखी है ये। इसका नाम है राभा कुटीर है, जो असम में बनाई जाती थी, जो अंडमान और निकोबार में जो कुटीर बनाई जाती थी वो ये कुटीर है, ये निकोबार कुटीर है। इसका जो अंदर का ये जो नीचे का स्पेस है ना, यहाँ अतिथि रुकने का हुआ करता था और ऊपर जाके रहने का होता था। ये देखो ये है ना सीढ़ी लगा रखी है और ये ऊपर जाके रहने का है, कितना सुंदर बना रखा है। ये देखना पहले ज़माने की कढ़ाई कितनी बड़ी हुआ करती थी, ये लोहे की है, इसमें देखो जंग भी लग गया बारिश की वजह से। जो कुटीर है ये है उड़ीसा की, गदबा कुटीर बोलते हैं इसे, ये उड़ीसा में बनाई जाती थी। ये देखो घोड़ों की मूर्तियाँ बना रखी है, कितनी सुंदर बना रखी है, आप देख रहे हो। इनके ना तीर्थ भी है ना कम्प्लीट, एक एक तीर्थ बना रखे हैं, टंग वगैरह सब चीज़ बहुत फिनिशिंग से बना रखे हैं यार, और ये पत्थर के हैं। ये हिमाचल प्रदेश की हट बनाई गई है, इसे कुल्लू हट बोलते हैं, और ये देखो कितनी बढ़िया बना रखी है इन्होंने, लगभग नीचे और ये ऊपर, ये इन्होंने ना पत्थरों से बना रखी है और बहुत सुंदर बना रखी है, इसमें एक फ्लोर भी बना रखा है इन्होंने। और ये जो कुटीर बनाई हुई है ना, इसमें जो पत्थर यूज़ करे गए हैं वो स्लेट पत्थर बोलते हैं उन्हें। ये जो है जम्मू और कश्मीर की हट है, देखो जम्मू कश्मीर में पहले हट कैसे बनाई जाती थी। और ये तो काम करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट काम करने के लिए, हैंड वर्क करने के लिए चरखा वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ। ये देखो सांझी माता बना रखी है, जिनका पूजन नवरात्रों में होता है। आप आओ घूमो, अलग अलग स्टेट की है ना हट दिखाई देगी आपको, बहुत सुंदर बना रखा है। पहले ना किस टाइम में कैसी कैसी हट हुआ करती थी वो सब दिखा रखा है, सांझी माता और पुराने टाइम के एलिफेंट, वुड वाले बने हुए और पत्थरों के बने हुए घोड़े वगैरह सब चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है। चलो दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है यहाँ। ये देखो पहले टाइम का कोल्हू बना रखा है, जो है ना बैलों द्वारा चलाया जाता था। ये जो है ना मूँगफली सरसों और इनका है ना तेल निकालने के लिए यूज़ किया जाता था कोल्हू को, और इसको जो है ना ये सागवान की लकड़ी और रोजवुड लकड़ियों से बनाए जाते थे ये कोल्हू। ये देखो रजवार हट छत्तीसगढ़ की है, ये कितनी सुंदर लग रही है यार, अंदर की चित्रकला भी देखो कितनी सुंदर है। ये देखो हवेली राजस्थान का गेटवे। चलो चलते हैं म्यूजियम गैलरी में। ये देखो ये माता चिंतपूर्णी जी है, देखो बहुत सुंदर वुडन की बना रखी है यहाँ। ये जो है मंदिर के लिए यूज़ किया जाता था, ये महाराष्ट्र की है, और यहाँ देखो और भी है ना बहुत सारी गैलरी बना रखी है। ये देखो टेक्सटाइल गैलरी वगैरह सब एक के अंदर। देखो टेक्सटाइल गैलरी में एंट्री करते ही कितने सुंदर ऊपर है ना कपड़े के, कितने सुंदर डिजाइन बना रखा है कपड़े के ऊपर, ये ना अलग अलग कपड़ों के बारे में बता रखा है। टेक्सटाइल गैलरी के अंदर है ना अलग अलग स्टेट के
डिफरेंट डिफरेंट फैशन, किस तरीके के कपड़े क्वालिटी हुआ करती थी पहले, और पहले साड़ियाँ किस तरीके से चांदी के सोने के तारों से क्या क्या वर्क हुआ करता था, सब चीज़ें दिखा रखी अंदर, पहले की पगड़ी वगैरह सब चीज़ें। चलो चलते हैं आगे, वो ऑडियो विजुअल रूम है। ऑडियो विजुअल रूम के अंदर है ना, आप वहाँ बैठकर आराम से पूरे क्राफ्ट म्यूजियम की डिटेल ले सकते हो। एलईडी पर फिल्म चलती रहती है, उसे आप देख सकते हो तसल्ली से बैठकर। तो चलते हैं कल्टिक गैलरी के अंदर। देखो कितने सुंदर कृष्णा जी, देखो कांसे की बनी हुई कड़ाह है, भोजन के लिए यूज़ की जाती थी। ये देखो इंद्रानी जी की है मूर्ति हाथी पे, ये लकड़ी की बनाई हुई है। ये देखो कंप्लीट रूम का सेटअप दिखा रखा है, इसके अंदर सब चीज़ें हैं इसमें। ये देखो बेड वगैरह संदूक वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, पूरा रूम बना रखा है। पहले टेबल कुर्सियाँ वगैरह संदूक, ये बेड। ये देखो झरोगा पैलेस उत्तरी गुजरात का 18वीं सदी का, ये देखो कितना सुंदर बना रखा है, दिखाता हूँ आपको। देखो दीवार पर ही बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो सामने है ना, बहुत सुंदर घर बना रखा है, वुड का काम हुआ हुआ है काफ़ी हद तक इसमें। ये गैलरी के अंदर है ना, बहुत सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीरें और बहुत मतलब पुराने टाइम की है ना चीज़ें बना रखी है, बहुत सुंदर लग रहा था। चलो फिर चलते हैं आगे। ये देखो ये बना हुआ है पहले टाइम का है ना, गुजरात का बना हुआ बर्ड हाउस। पहले बर्ड हाउस कितना सुंदर हुआ करता था। तो अब आ गए हम फोक एंड ट्राइबल गैलरी में, चलो फिर चलते हैं अंदर। ये देखो किनाल की गुड़िया बनाई हुई है। ये देखो पहले के टाइम के मास्क। ये देखो कठपुतलिया कितनी सुंदर लग रही है। देखो ये किले से बना हुआ है, सरगुजा छत्तीसगढ़ द्वारा बनाया हुआ है। ये देखो नागा कला वगैरह। ये देखो कुमार के द्वारा बनाई हुई कलाएं। ये देखो यशोदा मैया कृष्ण और बलराम जी। यहाँ मार्केट भी बनी हुई है, यहाँ पर है ना अलग अलग स्टेट के आइटम्स मिल जाएंगे, पेंटिंग वगैरह कपड़े वगैरह सब चीज़ें। अधिकतर जो आइटम है ना ये सब हाथ से बनी हुई है। ये देखो क्राफ्ट्स आइटम्स, ये सब हाथ से वर्क किया हुआ है, इसमें जितने आइटम है ना सब हाथ से बने हुए हैं। ये देखो सब हैंड वर्क है। ये देखो गुड्डे वगैरह, ये कठपुतलियाँ बना रखी है दूल्हा दूल्हे ने। ये देखो कितनी सुंदर आर्ट बना रखी है। ये देखो ज्वेलरी वगैरह। ये देखो साड़ी वगैरह, ये देखो ड्रेसेस वगैरह, अलग अलग स्टेट की सब ड्रेसेस वगैरह सब मिल जाएगी आपको, पेंटिंग वगैरह अलग अलग स्टेट की। ये देखो सुंदर सुंदर साड़ियाँ कपड़े वगैरह सब मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट के। तो अभी हम क्राफ्टिंग म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं, पूरा मज़ा आ गया है। अंदर पूरा है ना विलेज टूर वगैरह दे रखा है, उसके अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की आर्ट वगैरह सब दिखा रखी है, और बहुत सारे ना हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें दिखा रखी है। और फिर भी टिकट है लेकिन पूरा फुल पैसा वसूल है, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं यार जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।